नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। हरियाणा में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ खास रहने वाला है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आर्मी कैंप में घुस रहे दो आतंकी ढेर, मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। 15 अगस्त से पहले उरी जैसे हमले की साजिश थी तो सेना ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये जानकारी मिल रही है। इस बीच दो आतंकियों के ढेर होने की खबर है, लेकिन दुख की बात यहां ये कि 3 जवान भी इस दौरान मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी, जहां राजौरी में आपको बता दें कि मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। तो आर्मी कैंप में दो आतंकी घुस रहे थे जिन्हें ढेर किया गया, और जानकारी ये मिल रही है कि उरी जैसे हमले की साजिश रची गई थी। तो 15 अगस्त से पहले उरी जैसे हमले एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से किए जा सकते थे, लेकिन साजिश जो है नाकाम हुई है। और अब ये जानकारी मिल रही है, लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो एक्टिव हैं, और इसके साथ ही जो आतंकियों की मंशा है उस पर पानी फिरते हुए सुरक्षा बल लगातार, आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं, और भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है, तो लगातार दबिश दी जा रही है। इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन जारी है, तो पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं इस दौरान। तो 15 अगस्त से पहले उरी जैसे हमले की साजिश थी जिसको अब समझ लिया गया है, और इसके साथ ही सुरक्षा बल लगातार इस साजिश को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। चूंकि स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और लगातार आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की जो पूरी तैयारी है वो देश में जारी है, और इसके साथ ही यहां पर आतंकियों की जो मंशा है वो नाकाम करने की कोशिश सुरक्षा बल करते हुए नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि आर्मी कैंप में ये आतंकी घुस रहे थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, और इसके साथ ही 3 जवानों के शहीद होने की भी खबर है। तो हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है ये जो आतंकी मार गिराए गए हैं ये कौन से संगठन के हैं,